अस्सलाम वालेकुम लेवल वन, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी लेवल वन, आज हम आपके इस्लामियात के सबक हमारी नमाज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोग अपनी इस्लामियात की बुक्स जो है उनको खोल लें, उनको ओपन करें। आप अपनी इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 14 जो है वो ओपन करेंगे। आपके सफ़ा नंबर 14 में हमारे पास टॉपिक है हमारी नमाज। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन आ रहा है इसको प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली मिलती रहे। जी बच्चों, हमारी नमाज, नमाज के बारे में आप लोग जानते हैं कौन कौन सी नमाजें हैं। 5 नमाजें अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज ने फरमाया है कि अल्लाह ताला को नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है, मुसलमानों पे फ़र्ज है 5 नमाज़ें पढ़ना। अब आप लोग माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप सब ने भी नमाज़ पढ़ना शुरू करनी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 7 साल से बच्चे को नमाज़ पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, आप लोग अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, अपने सबक की तरफ आते हैं। आप लोगों ने नमाज़ सीखनी भी है और पढ़नी भी है। हमारी नमाज, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है। जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे रब को, जिसने हमें पैदा किया, जो हम सबका रब है अल्लाह ताला, उनको सबसे अच्छा अमल कौन सा लगता है? नमाज पढ़ना। सॉरी, नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। नमाज में हम अल्लाह के सामने झुककर इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इससे मदद मांगते हैं। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। जी बच्चों, हम अल्लाह ताला ने हम पे 5 बातें फ़र्ज़ की हैं, उनमें से एक इबादत नमाज भी है। ठीक है, तो नमाज पढ़ना हम सब पे फ़र्ज़ है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो माशाल्लाह आप सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप लोग भी नमाज पढ़ने की आदत डालें, अपनी अम्मी के साथ, अपने जो गर्ल्स हैं वो अपनी अम्मी के साथ जो है वो नमाज पढ़ा करें, और जो बॉयज़ हैं वो अपने अब्बू के साथ या अपने बाबा के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करें। ठीक है, नमाज में हम क्या करते हैं? नमाज में हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, हम रुकू में जाते हैं, हम सजदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से मदद भी मांगते हैं। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। जी बच्चों, अब आप लोग मुझे बताएं कि अल्लाह ताला को सबसे अच्छा अमल कौन सा लगता है? जी, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अच्छा अमल नमाज पढ़ना लगता है। और किस साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए? 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ जुबानी सवालात करने लगी हूँ, आप उसके लिए तैयार हो जाएं, आपने मुझे उसके जवाब देने हैं। जी बच्चों, अब मैं आपसे जुबानी सवाल कर रही हूँ, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पसंद है। बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कब डालनी चाहिए? 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत कब डालनी चाहिए? 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जी बच्चों, अब आप आज का घर का काम जो है वो नोट कर लें। आज आपका घर का काम है सफ़ा नंबर 14 की पढ़ाई करें। आपने सफ़ा नंबर 14 की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। कल हम आपसे इसके बारे में, इस सफ़े से मुतल्लिक ज़ुबानी सवाल पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले सबक के साथ हम दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।